अंदर जब उन्होंने कहा कि भाई ये इनह्यूमन बिहेव किया गया, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने एक इंक्वायरी ऑर्डर करी जिसमें कहा कि आप इसकी रिपोर्ट कीजिए। और जो रिपोर्ट उन्होंने कहा, प्रोसीडिंग का पार्ट में बताया था, और रहमानी साहब चैलेंज ना करें इससे, उन्होंने 4 अगस्त 2014 की प्रोसीडिंग का ये पार्ट है जिसमें कहा कि जो एलिगेशन लगाए थे प्रज्ञा ठाकुर, एक सन्यासी जिसको पॉन्ड मूवी दिखाई गई, जिसको चमड़े की बेल्टों से मारा गया, जिसको 6 फुट उठा के नीचे फेंका गया, जिसको जूतों से इस तरह पीटा गया कि उसकी छाती की झिल्लियां फट गई, उसको वेंटिलेटर पर जाना पड़ा, उसकी रिब्स टूट गई, उसकी बैकबोन के अंदर फ्रैक्चर हो गया, जिसके साथ इस तरीके का टॉर्चर हुआ, उसको बुरके से जाके ढका गया, जिसकी अंतरात्मा को इतना कचोटा गया कि मारने वाले थक जाते थे लेकिन वो नहीं थकती थी, ताकि आरएसएस को फंसाया जाए। और उसके अंदर क्या रिपोर्ट पेश करते हैं ये रिपोर्ट सर रिपोर्ट ब्रेक के बाद कमीशन की रिपोर्ट है, मेरी पर्सनल, आप रिपोर्ट ब्रेक के बाद पढ़ दीजिएगा, मुझे आपत्ति नहीं है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ जो प्रज्ञा ठाकुर ने करके के बारे में कहा उसकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल क्या है, जो उसके साथ उस रिपोर्ट के आधार पर ये कहना जस्टिफाई किया जा सकता है कि शहीद हेमंत करकरे, जिनको पूरा देश शहीद मानता है, उनको अपने कर्मों की सजा मिली है, या फिर राजनीतिक तौर पर नाबालिग प्रज्ञा ठाकुर भी क्या शहीद उनसे गलती हो गई।